बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको घर में कॉफ़ी बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा और आप बिल्कुल रेस्टोरेंट काफ़ी इंजॉय कर सकेंगे। तरीका आपके सामने है, ये देखें जी, ये 1 चम्मच कॉफ़ी है। चम्मच का साइज जो भी होगा, चीनी भी उतनी ही क्वांटिटी में आपने लेनी है, जितनी कॉफ़ी उतनी चीनी। अब ये 1 चम्मच कॉफी है और यहाँ हमने 1 चम्मच इसमें चीनी मिक्स कर दी। ओके, हो गया। इसके अंदर हमने आधा पौना चम्मच पानी भी मिक्स कर देना है। ये इसके अंदर पानी मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, छन्नी के साथ इसको ऐसे मिक्स करना है। ठीक है जी, इस तरह हमने इसको छन्नी के साथ मिक्स करना है। अभी आप थोड़ी देर के बाद का कमाल देखिएगा जी नाजी। तो आपने देखा ये कितना अच्छा फ्लफी था, कितना अच्छा फ्लफी था पेस्ट बन गया। ठीक है जी, अब अगर आप क्वांटिटी ज्यादा रखेंगी कॉफी की तो ये ज्यादा अच्छा पेस्ट बनेगा और मैक्सिमम 2 या 3 लोगों का आप ये पेस्ट बनाएं। जितनी कॉफ़ी उतनी चीनी, 3 लोगों के लिए 3 कप, 3 चम्मच कॉफ़ी और 3 चम्मच ही चीनी डाल के आपने छन्नी के साथ इसको इस तरह, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया था, आपने उस तरीके को फॉलो करना है, इंशाल्लाह बेहतरीन कॉफ़ी बनेगी। अब हम इसको दूध में मिक्स करते हैं। अब देखें जी, ये उबलता हुआ दूध है, इसमें हमने अब 1 स्पून फॉर 1 कप, ये 1 स्पून है, ये 1 कप इज इनफ। ठीक है, ये हमारी बेहतरीन कॉफी तैयार होने जा रही है। देख रहे हैं आप, ये बेहतरीन कॉफी। अगर आप इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो, और ज़्यादा मीठा पीना चाहते हैं तो आप इसमें दूसरा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने सही कॉफ़ी का लुत्फ़ लेना है तो ये 1 चम्मच इनफ है फॉर 1 कप टी। मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब टेस्ट है। देखिए कितना क्रीमी टेस्ट आया है, कितनी क्रीमी लुक है कॉफी की। मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ, ये देखें कितनी क्रीमी लुक है। अपने घर में बनाएं, इंजॉय कीजिए, दुआ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।